हेलो स्टूडेंट्स, क्लास इलेवेंथ, वेलकम टू TSN स्कूल। चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं स्टार्ट कर दिया, मैंने इंट्रो पार्ट आपको दे दिया। एक लेक्चर में मैंने एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैंने 3 टॉपिक डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अलॉन्ग विद देयर सम प्रॉपर्टीज़। ना उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की, जैसे एडिशन क्लोजर लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, आइडेंटिटी, इनवर्स, इन सब को होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। डिफरेंस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। यह माइट बी सम केस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर केस में ये चीज़ ट्रू नहीं होती है। फिर मल्टीप्लिकेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर लॉ देखा, कम्यूटेटिव लॉ देखा, एसोसिएटिव लॉ देखा, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यहाँ तक देख चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं डिवाइड कैसे करूँगी वो देखते हैं। डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, गिवन एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2, मुझे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है जहाँ Z2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो चीज़ डिनोमिनेटर में रहेगी, रेशनल नंबर में भी हम यही बात करते हैं, P अपॉन Q में हम यही बोलते हैं कि Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द क्वेश्चन Z1 अपॉन Z2 इज़ डिफाइंड बाय, जो क्वेश्चन है Z1 अपॉन Z2 उसको मैं कैसे डिफाइन करूँगी। Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर होगा, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 के, यानी Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एस सच डिवाइड नहीं करेंगे, हम Z1 को किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 अपॉन Z2 से। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो एक एग्जाम्पल से इसने समझाया है, Z1 दे रखा है 6+3 आयोटा और Z2 दे रखा है 2- आयोटा। तो Z1 अपॉन Z2 कितना हो जाएगा, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो Z1 कितना हो गया, 6+3 आयोटा इंटू 1 अपॉन 2- आयोटा। सो ये हो गया 6+3 आयोटा 1 अपॉन 2- आयोटा, 1 अपॉन 2- आयोटा, यानी 1 अपॉन 2- आयोटा। इसको यहाँ पे मैं 2+ आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी एंड 2+ आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a² - b², यानी 2² - b क्या है मेरे पास यहाँ पे, आयोटा, 2² + आयोटा का स्क्वायर। आयोटा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, -1। क्लियर है ना, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास हो गई -1। तो ये हो गई 2² + 1, 2² + 1 यानी 4² + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। इसकी वैल्यू 5 हो गई और ऊपर कितना आ गया, 2+ आयोटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इसी तरह से देखो यहाँ इसने सॉल्व किया है, 2+ आयोटा, यहाँ पे आयोटा के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया 6+3 आयोटा अपॉन 2+ आयोटा अपॉन 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 12, फिर 6 इसको b इंटू डी यानी 3 आयोटा इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू -3, बिकॉज 3 आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, -1। सो ये हो गया 12 - 3 प्लस आयोटा 6+6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/5, 9+12 आयोटा। तो किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवीजन वाले मेथड से हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एज इट इज़ रखेंगे और दूसरे का रेसिप्रोकल करके फिर सॉल्व करेंगे। यानी Z1 अपॉन Z2 किसके बराबर हो जाएगा, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2 के। नाउ नेक्स्ट पावर ऑफ आयोटा, ना पावर ऑफ आयोटा क्या आएगा, देखो वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ से देखो आयोटा की पावर्स की क्या वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 और आयोटा होता है √-1। तो अब मैं आयोटा क्यूब अगर करती हूँ तो आयोटा क्यूब में कैसे करूँगी, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1 × आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू -आयोटा, यानी आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, -आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी हो जाएगी, देखो
आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, तो आयोटा की पावर फोर कितनी होती है? प्लस वन। ये हमको याद रखनी है कुछ पावर्स। आयोटा की पावर फाइव अगर निकालूँ तो आयोटा की पावर फोर इंटू आयोटा, तो आयोटा की पावर फोर हो गई वन, वन इंटू आयोटा विच इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा की पावर सिक्स निकालूँ तो आयोटा स्क्वायर का क्यूब, या आयोटा की पावर सिक्स में ऐसे भी निकाल सकती हूँ, आयोटा की पावर फाइव इंटू आयोटा, है ना, ये हो सकता है। और आयोटा की पावर फाइव इंटू आयोटा, आयोटा की पावर फाइव की वैल्यू कितनी है? आयोटा, यानी आयोटा इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू माइनस वन। सो ये आई नहीं कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, आई ओ टी ए, आयोटा। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव आयोटा निकालूँ यानी आयोटा की पावर माइनस वन, तो वो कितना होएगा? वन अपॉन आयोटा, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज़ माइनस वन। तो वह आयोटा की पावर इनवर्स, आयोटा की पावर माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर माइनस टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, यानी वन अपॉन माइनस वन विच इज़ इक्वल्स टू माइनस वन। तो आयोटा की पावर माइनस टू कितनी हो गई? माइनस वन हो गई। आयोटा की पावर माइनस थ्री कितनी हो जाएगी? आयोटा हो जाएगी। आयोटा की पावर माइनस फोर कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। सेम ही तरीके से जैसे अभी तक हम करके आ रहे हैं, वन अपॉन आयोटा की पावर माइनस थ्री को मैं लिखूंगी वन अपॉन आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू रखूंगी। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ रही है तो मैं उसको रेशनलाइज कर दूंगी, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कराना किसी नंबर को, ये क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज मैं हमेशा कैसे करूँगी? जैसे ये वाला एग्जांपल था वन अपॉन टू माइनस आयोटा, तो मैं यहाँ भी टू प्लस आयोटा करूँगी, यहाँ भी टू प्लस आयोटा करूँगी, ताकि ये मेरा बन जाएगा ए माइनस बी और ये मेरा बन जाता है ए प्लस बी। तो मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या लगा सकती हूँ? फॉर्मूला लगा सकती हूँ। मतलब यहाँ जो भी नंबर है उसके नेगेटिव वाले साइन से हम यहाँ पे ऊपर नीचे इसको क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पे वन अपॉन आयोटा क्यूब था, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? माइनस आयोटा, वन अपॉन माइनस आयोटा। तो यहाँ पे माइनस आयोटा है, तो मैं आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, इस तरह से हम रेशनलाइज करते हैं। तो आयोटा की पावर माइनस थ्री की वैल्यू कितनी आ गई? आयोटा। इसी तरह से आयोटा की पावर माइनस फोर निकालूँ तो वो कितनी हो जाएगी? वन अपॉन आयोटा की पावर फोर, एंड आयोटा की पावर फोर इज़ वन, वन अपॉन वन विच इज़ इक्वल्स टू वन। तो यहाँ पे हमको रेशनलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इन जनरल अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर के, किसी भी इंटीजर के लिए आयोटा की पावर 4k की वैल्यू कितनी होगी? 1। यानी जब भी आयोटा 4 का मल्टीपल है तो वैल्यू आएगी 1, 4k प्लस 1 का मल्टीपल है तो वैल्यू आएगी आयोटा, और 4k प्लस 2 का मल्टीपल है तो वैल्यू आएगी माइनस 1, और 4k प्लस 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आयोटा। यानी 4k के पे आएगी 1, फिर उसके बाद 4k प्लस 1 पे आयोटा, 1 आयोटा माइनस 1 और माइनस आयोटा। तो ये चार वैल्यू हमको इस ऑर्डर में ध्यान रखनी है, 4k पे ये, 4k प्लस 1 पे ये, 4k प्लस 2 पे ये वाली, और 4k प्लस 3 पे ये वाली। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वैल्यूज आई हमारे पास, ये वैल्यूज़ किसकी आई हमारे पास? आयोटा की पावर्स की, ना कि आयोटा की इंटीग्रल पावर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये वैल्यूज़ आई हमारे पास यहाँ पे आयोटा की पावर्स की। तो ये यहाँ तक हमको अच्छे से समझना है, ये जो अभी हमने एलजेब्रा किया है, ये एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप अच्छे से गो थ्रू करो, एडिशन समझो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर अब आप, मैं आपको एक्सरसाइज में अगर कुछ क्वेश्चन देखती हूँ, एक्सरसाइज 1 to 5, हाँ ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 to 10, इन सब क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो। क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, आपको इन सबको एक्सप्रेस करना है। तो आप इनको इजीली एक्सप्रेस करते हो 10 तक के क्वेश्चंस को, है ना। फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, इनके सॉल्यूशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारा पोर्शन हमारा और भी स्टडी करने का इसमें बच रहा है। तो आप एक बार इनको अच्छे से स्टडी करना, पावर्स को देखना ना,
फिर नेक्स्ट जो एक टॉपिक आता है वो आता है हमारे स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, यानी कोई नेगेटिव रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूंगी ना। सो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, इसका मतलब माइनस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी -1 होगा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर भी कितना होगा -1 होगा। ये चीज़ अच्छे से नोट करना, इसका मतलब द स्क्वायर रूट ऑफ -1 आर आयोटा एंड माइनस आयोटा, यानी आयोटा -1 की जो स्क्वायर रूट है यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 रखती हूँ तो एक्स कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -1, तो इसकी दो वैल्यूज आएगी, एक तो आयोटा और एक माइनस आयोटा। क्लियर है? हाउएवर बाय द सिंबल अंडर रूट ऑफ -1 वी वुड मीन आयोटा ओनली। नाउ वी कैन सी दैट आयोटा एंड माइनस आयोटा बोथ आर द सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। इसी तरह से रूट 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी 3 इंटू -1 विच इज इक्वल्स टू -3, और माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर भी कितना होगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू माइनस स्क्वायर इज 3 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये भी क्या होएगा -3। इसका मतलब -3 का स्क्वायर रूट जो है उसकी भी दो वैल्यू आएगी, रूट 3 आयोटा एंड -√3 आयोटा। यानी कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मैं लेती हूँ, इन शॉर्ट अगर मैं समझूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर माइनस ए है तो इसकी दो वैल्यू होएगी, क्या क्या होएगी, एक तो ए आयोटा और एक होएगी माइनस ऑफ ए आयोटा। अगेन द सिंबल -√3 इज मीन टू रिप्रेजेंट √3 आयोटा ओनली, यानी इन जनरल हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। सो इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर तो √-a क्या आएगा, √a आयोटा। इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, √a आयोटा एंड -√a आयोटा, हम लेते ज़्यादातर पॉजिटिव वाली वैल्यू ही है। ओके, सो यहाँ हमारे एक स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स की भी बात हुई। वी ऑलरेडी नो दैट रूट ए इंटू रूट बी किसके बराबर होता है, रूट ए बी के, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी। दिस रिजल्ट्स आल्सो होल्ड ट्रू व्हेन आइदर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो भी ये चीज़ ट्रू होगी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव है तो भी ये चीज़ ट्रू होगी, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्या होगा ना, दोनों नेगेटिव हैं यानी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट -1 इंटू √-1 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1 बाय अज्यूमिंग रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी फॉर ऑल रियल नंबर्स, सो विच इज़ इक्वल्स टू √1 विच इज़ इक्वल्स टू 1, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी के इक्वल नहीं होगा अगर ए और बी दोनों क्या हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, तो ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी। अगर ए और बी दोनों ज़ीरो हैं तो रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, स्टूडेंट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। सो ये हमने बात की स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स की, जो इसकी आइडेंटिटीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वो हम नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना। थैंक यू स्टूडेंट।